Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शील डायघर पुलिस ने 10 घंटे के अंदर चोरी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। थाने शील डायघर पुलिस ने एक डकैती करने आए आरोपी को 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की मोबाइल और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। देखिए इस मामले की पूरी जानकारी। डायघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सचिन गावड़े ने क्या जानकारी दी है। 22 तारीख की रात को, संडे की रात को, एक ऑटो रिक्शा वाला अपना पैसेंजर लेके मैराथन यहाँ पे जो पडले गांव है वहाँ पे आए थे। वहाँ से जाते वक्त उस वक्त उसको रास्ते में कई लोगों ने चॉपर दिखाकर उसको लूटा था, उसके ऊपर हमला किया था, उसका मोबाइल छीन लिया, उसके पैसे छीन लिए और आधी रात को वो हमारे पास पुलिस स्टेशन में आया था। पुलिस स्टेशन में आने के बाद सबसे पहले हमने उसको अस्पताल भेज के उसका ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद उसका कंप्लेंट यहाँ पे नोट किया। और जैसे ही हमने कंप्लेंट नोट किया, हमारे साथ एक डिटेक्शन स्टाफ, हमारा पुलिस स्टेशन का स्टाफ, इनको सबको इन्फॉर्म किया था और उसका इमीडिएटली आरोपियों का सर्च हमने चालू किया था। उसके बाद जब पूरा दिन हमारा सर्च चालू था, हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि एक ऐसा ऐसा सस्पिशियस आदमी यहाँ पे घूम रहा है जो अपनी बाइक पे जा रहा था। जब उसकी बाइक हमने इंटरसेप्ट की, उसको पकड़ा, तो उसके बाद हमको उसके पास से चीज़ें मिली कुछ और जो उसका जो इंक्वायरी किया, उसके बाद पता चला कि ये ऑफेंस उसी ने कमिट किया हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे बॉस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में उसके पास से हमको चॉपर रिकवर हुआ। आज वो जो चोरी में रिक्शा गई थी वो भी आज रिकवर हो गई और उसके साथ वो जो बाइक यूज़ कर रहा था वो भी नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में चुराई हुई बाइक थी। इस तरह से जो ये रॉबरी में जो सारा माल उसने चोरी किया था वो सारा रिकवर हो चुका है। आरोपी की पहचान किस रूप में हुई है? आरोपी अभी तो 2-3 लोग थे, अभी एक पकड़ा गया है, गौरांग गुप्ता करके नाम है उसका, 20 साल का उम्र है, शाहपुर का रहने वाला है। वो यहाँ पे आया था, अभी उसके साथ उसके और भी जो दो साथी है उनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी वो इन लोगों ने ऐसे इस तरह के कितने क्राइम किए हुए हैं वो भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये 2 क्राइम में इन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, उनका पुलिस कस्टडी हम लोग ले रहे हैं और इंक्वायरी चलेगी।